युवा साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 2 गणित विज्ञान के परिणाम को लेकर कल रात से कॉल और मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, हम अवसाद में हैं, परेशान हैं, दुखी। मैं समझता हूं कि लेवल 2 का पेपर रद्द हुआ था, आपकी परेशानी मैं समझता हूं। लेकिन कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप ये करो वो करो। मुझे आप बताइए कि मैं कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हूं या मैं CMO या शिक्षा मंत्री हूं। मैं केवल प्रयास कर सकता हूं। मैंने शिक्षा मंत्री जी से जाकर मुलाकात की है और आज सुबह चेयरमैन आलोक जी से मैंने निवेदन किया है और अभी वीडियो बनाने से कुछ मिनट पहले ही मैंने सचिव साहब से दोबारा बात की है। सचिव साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, आज भी परिणाम जारी करें, कभी भी जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लीजिए कोशिश हमारी जारी है आज ही परिणाम जारी करने की, यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते तो कल जारी कर देंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये सचिव साहब ने कहा। और चेयरमैन साहब से जब सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत है। मैं केवल आपकी बात बोर्ड तक, सरकार तक, सब तक पूछा सकता हूं, पूछा दिया। लेकिन आपसे ज्यादा मैं चिंतित हूं। मैं खुद चुनाव आयोग के उन अधिकारियों से मिलकर आया हूं कि यदि कैलेंडर जारी हो जाते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो चुनाव आयोग से हमें जल्दी परमिशन दिलानी है, आप मदद करना। मैं आपके आगे की समस्याओं के निस्तारण करने के लिए पहले से सोच रहा हूं, मैं मुलाकात कर रहा हूं आपके भविष्य के लिए। और आप लोग क्या कह रहे हैं, उनकी इज्जत का सवाल है, अब देखते क्या होता है, वो न्यूज देते हैं। मैं न्यूज नहीं देता, मैं किसी LDC UDC को नहीं पूछता, मैं सीधा चेयरमैन साहब से, सचिव साहब से निवेदन करता हूं, बात करता हूं, और उनसे बात होती है तभी मैं अपडेट देता हूं। और ये वीडियो ले जाकर दिखाते ना आप, क्योंकि इन्हें तो झूठ तो नहीं बोल रहा। बात होने के बाद ही मैं वीडियो डालता हूं, मैं कभी अफवाह नहीं फैलाता ना होम बात करता हूं। जब मुझे सचिव साहब ने कहा था 21 और 22 तारीख को संस्कृत और गणित विज्ञान का परिणाम आ जाएगा, संस्कृत का आ गया, गणित विज्ञान का मैं भी इंतजार कर रहा हूं आज का, और मैं प्रयास कर रहा हूं आज परिणाम जारी हो। आपके लिए मैंने चेयरमैन साहब से निवेदन किया, सचिव साहब से निवेदन किया है कि आपका परिणाम जारी हो जाए और आपकी पीड़ा दूर हो जाए। और मैं तो आगे की सोच रहा हूं कि चुनाव आचार संहिता नहीं उलझे और निदेशक मोदी जी से बात किए, जैसे आपका परिणाम जारी होगा डेटा पूछने के बाद 2 दिन बाद का जिला आवंटन पदस्थापन का कैलेंडर जारी हो जाएगा और रिक्ति प्रक्रिया आचार संहिता में अटकती है, यानी कि अचानक आचार संहिता लग जाती जल्दी, तो मैं वहां चुनाव आयोग में भी आगे से सोचकर मैं आपकी पीड़ा को देखते हुए मैं वहां भी प्रयास कर रहा हूं, पहले से बात कर रहा हूं कि हाँ आप जल्द हमारी मदद करना। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव आयोग में भर्ती अटकी थी तो मैंने भागदौड़ की थी, कई अधिकारियों से मेरी जानकारी होगी थी, कर्मचारियों से उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा हम पूरी मदद करेंगे। तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, दर्द समझता हूँ। और आप कह रहे हो ये हो जाए, यार भाई कम से कम ये तो मैं सोची सवाल मत उठाइए संघर्ष में, मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैंने बात कर भी चुका हूँ। इसलिए साथियों इतना संयम रखा है, थोड़ा संयम रखे। मुझे बता दीजिए, मान लीजिए आपके अक्टूबर में ज्वाइनिंग होती है तो आप बता दीजिए 7.5 महीने में आप तक किसी की ज्वाइनिंग हो पाई है? ये पहली भर्ती है जो एग्जाम होकर परिणाम जारी होकर 7.5 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अध्यापक भर्ती 7 महीने में Level 1 की हो रही है और 7.5 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। कोई भर्ती है जो 7.5 महीने में कभी पूरी हुई है? ये पहली भर्ती है जो आपकी पूरी हो पा रही है, इससे ज्यादा पास नहीं हो सकता। जितनी मदद मुझसे हो रही है मैं कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब से भी मैंने आज बात की, सचिव साहब से मैंने बात किया, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 2 दिन पहले आप देखो मंत्री शिक्षा मंत्री से मिल के आया था, मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रयास कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के परिणाम के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जो Level 1 Level 2 की जो प्रोविजनल एक और सूची जारी होने रिक्त पदों पर वो जारी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, नई भर्ती के लिए प्रयास कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग की तमाम विभागों में अकेला हर बेरोजगार हर भर्ती के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैं जब तक ये आचार संहिता नहीं लग जाती मैं कोशिश करूंगा कि हर बेरोजगार हर भर्ती के जो इंतजार करने वाले लोगों को न्याय मिले, उनका इंतजार खत्म हो। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार प्रयास जारी रहेगा और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए संयम रखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास सफल होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज जारी हो और किसी कारणवश नहीं हो पाता कल हो जाएगा। एक दिन लेट क्या हो गया, आपका पार्ट टूट गया। आप बताइए, मान लो आचार संहिता लग गए, आचार संहिता में अटक गई, फिर कौन भागेगा? आपका साथ उपेन्द्र यादव देने आएगा और कोई देने नहीं आएगा? उस समय भी मैं साथ में ही रहूंगा। जब आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ, आपका घटना स्तर जो कम नहीं हुआ, तो सिलेबस विस्तृत भी जारी करवाया, घटना स्तर भी कम करवाया, हर जगह मैंने मदद की आप लोगों का, हर जगह मैंने साथ दिया है, आगे मैं साथ दूंगा, चाहे कहीं भी भर्ती अटकेगी जो दिन तक मैं साथ दूंगा। इसलिए सही रखिए, किसी LDC से किसी ने पूछ के डाल दिया, जानकारी लेकर देना और तमाम अधिकारियों से, चाहे सचिव साहब और अध्यक्ष से सीधी बात करके आपके लिए निवेदन करा, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रयास करा, शिक्षा मंत्री से मिला, निदेशक से मिला, ये महत्वपूर्ण है। जानकारी तो कोई भी दे सकता है, पूछ के दे सकता है, वहां आप जाओ सचिव साहब से मिलो, सब जो जा रहे हैं उनको सबको बता रहे हैं कि कौन सी भर्ती क्या होगा। तो जानकारी में प्रयास करने संघर्ष करने में बहुत अंतर होता है, इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए। आपके लिए विश्वेश्वर मैं वीडियो बना रहा हूँ, साइंस मैथ वाले और SST वाले देखिए, वो भी इंतजार कर रहे हैं ना 25-26 तारीख का।
एसएससी का भी परिणाम जारी करवाना है, उनकी भी ज्वाइनिंग करवानी है, आपकी ज्वाइनिंग करवाना मेरा कर्तव्य है, फर्स्ट का सेकंड ग्रेड का भी परिणाम जारी करवाना है और जो तमाम और भर्तियों का परिणाम जारी करवाना था ज्वाइनिंग भी करवानी है और नई भर्तियों के लिए भी प्रयास, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत राज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम कोई सा विभाग हो, हर युवा के लिए मैं संघर्षरत हूँ और प्रयास मैं करता रहूंगा। आपकी सोच, आप कुछ भी सोचे, कुछ लोग कह रहे कि भैया आज आपकी इज्जत का सवाल है, आप ये है, अरे इज्जत का सवाल नहीं, मेरा सवाल है आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने का, काचा से करने मुझे आपके सपने पूरे हो, तुम आपके सपने, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मैं आगे की सोच रहा हूँ, पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ, जितना प्रयास मुझसे होगा मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो तमाम उन विद्यार्थियों तक पहुंचा है जो इंतजार करें साइंस का, जो एसएसटी का, अन्य विषय का परिणामों का इंतजार करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का इंतजार करें, हर युवा के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।